अस्सलामु अलैकुम, मैं आसिया सिद्दीकी और आप देख रहे हैं बसीरत ऑनलाइन। एक वक्त था जब हम भारत को बड़े बड़े देशों से कंपेयर करते थे। एक टाइम पर यह कहा जाता था कि इंडिया चाइना जैसे देशों को भी इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के हिसाब से 2020 तक पीछे छोड़ सकता है, लेकिन यहाँ इंडिया बांग्लादेश जैसे मुल्कों से भी पीछे चला गया है। IMF की लेटेस्ट प्रोजेक्शन के मुताबिक GDP पर पर्सन बांग्लादेश का इंडिया से ज़्यादा होने वाला है, लेकिन साथ ही साथ IMF ने यह भी कहा है कि 2020 के एंड तक बांग्लादेश का पर कैपिटा GDP इंडिया से ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 2021 में इंडिया का पर कैपिटा GDP फिर से बांग्लादेश की पर कैपिटा GDP से आगे निकल जाएगा। लेकिन साथ ही साथ IMF ने यह भी कहा है कि बांग्लादेश की पर कैपिटा GDP 2024 में इंडिया की पर कैपिटा GDP से आगे निकल जाएगी और फिर इसके बाद आगे ही निकली रहेगी। और अगर हम आज से 5 साल पहले की बात करें तो इंडिया का पर कैपिटा GDP बांग्लादेश की पर कैपिटा GDP के कंपेयर में 40% ज़्यादा था। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि इंडिया की GDP इतनी बुरी तरह क्रैश कैसे हुई। इंडिया को आज़ादी मिली थी 1947 में, जो कि बांग्लादेश की आज़ादी की बात करें तो बांग्लादेश को आज़ादी 1971 में वो भी इंडिया की मदद के ज़रिए मिली थी, और इसके बाद से ही बांग्लादेश काफ़ी गंभीर GDP क्रैश से गुजरा हुआ था। आज़ादी के एक साल बाद 1972 में बांग्लादेश की GDP -14% हो गई थी। अगर हम इस चार्ट के कंपैरिजन की बात करें तो बांग्लादेश काफ़ी पिछड़ा हुआ था, लेकिन पिछले 5 सालों में बांग्लादेश ने इंडिया की बराबरी करना शुरू कर दी है, और इसका सबसे बड़ा रीज़न है रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बांग्लादेश में रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है, जबकि अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट की परसेंटेज में काफ़ी गिरावट हुई है। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है, बांग्लादेश ने कहा है कि हम अपनी कंट्री में चीज़ों को खुद मैन्युफैक्चर करेंगे और इन चीज़ों को हम बाहर की कंट्रीज़ में सप्लाई करेंगे। इनका ज़्यादातर GDP जॉब सेक्टर से ही आता है, जहाँ पर बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होती हैं। आज के दिन बांग्लादेश में 39.4% एम्प्लॉयमेंट सेक्टर इन्हीं सर्विसेज की वजह से होती है, और इंडिया में ये रेट 31.5% है। आज भी हम ज़्यादातर एग्रीकल्चरल सेक्टर पर डिपेंड हैं, जबकि अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश एग्रीकल्चरल सेक्टर पर भी काफ़ी फोकस किए हुए हैं। इनकी फूड प्रोडक्शन रेट है 41.3 मिलियन टन, जो कि इन्होंने 41.57 मिलियन टन का टारगेट बनाकर रखा हुआ है। और इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने एजुकेशन और हेल्थ केयर पर भी काफ़ी फोकस किया हुआ है। अगर हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें, जो बताता है कि देश में रहने वाले भूखे लोगों की तादाद कितनी है, तो इंडिया की रैंकिंग है 94 out of 107 countries, जो कि बांग्लादेश की रैंकिंग है 75 out of 107 countries। इसी तरह से वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें तो इंडिया की रैंकिंग है 140 और बांग्लादेश की रैंकिंग है 125। इसका मतलब ये है कि बांग्लादेश में रहने वाले लोग इंडिया में रहने वाले लोगों से ज़्यादा खुश हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब हम धर्म के नाम पर और नेशनलिज्म के नाम पर लड़ रहे थे, उस वक्त बांग्लादेश अपनी GDP सेक्टर पर, अपनी GDP ग्रोथ पर ध्यान दिए हुआ था। अब यहाँ पर हमें अपनी GDP, एजुकेशन, हेल्थ केयर, जॉब सर्विसेज और एम्प्लॉयमेंट पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अगर हमने इन सेक्टर्स पर ज़्यादा फोकस की तो फिर से हम चाइना जैसी कंट्रीज़ को कम्पीट करने लगेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही में लगे हुए घंटे के निशान को दबाना ना भूलें। अस्सलामुअलैकुम।